है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे, यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा। तो गाइस, हम आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं कुछ मेकअप, जो सर्दियों में मतलब मेकअप मुझे कैसे करना चाहिए, जो हमारा मेकअप फटाफटा ना रहे और मेकअप भी टिका रहे हमारे स्किन पे। क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है ना, हम मेकअप करते हैं तो वो कहीं वाइट कहीं ऐसे फट जाता है मेकअप ना। तो हम कुछ ही प्रोडक्ट में और आपको मेकअप करके दिखाते हैं जिस तरीके से हम सर्दियों में मेकअप करते हैं। आप शादी पार्टी या किसी भी फंक्शन में आप करके जा सकते हो। इतना मैं हाई मेकअप नहीं करूँगी, बस लाइट मेकअप करूँगी और साड़ी वेयर करूँगी उस पर मेकअप करने जा रही हूँ। गाइज, थोड़ा लाइटिंग की दिक्कत है लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ वीडियो, तो प्लीज़ एंड तक रहना। न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए फिर बनी रहिए। यहाँ पे मैंने फेस क्लीन किया है, फेस वॉश किया है और मैंने टोनर लगा लिया। टोनर में मैंने गुलाब जल लगाया, सॉरी सूट करना भूल गई। और मॉइस्चराइज़र में मैं बेबी क्रीम लगा रही हूँ अपने बच्चे की, और यही अप्लाई कर लूँगी। और अच्छे से हमारे फेस को मॉइस्चराइज कर दूंगी। और सर्दियों में मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास सीरम है तो आप सीरम बिल्कुल लगाना ना भूलें। सीरम लगाएंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका मेकअप बिल्कुल भी फटाफटा नहीं मालूम देगा, है ना। नहीं तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन हमने टोनर लगाया था, टोनर के बाद मैंने ये बिट्टू की क्रीम लगा ली है और इसमें बहुत ही अच्छा मुझे दे दिया है। देखना अभी कुछ फेस मेरा ऐसा दिख रहा है, तो चलिए बनी रही है। तो गाइज, यहाँ पे मैं लक्मी 925 क्रीम यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी क्रीम है, आपको फाउंडेशन वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा कवरेज देगी, आप खुद से खुद देख लो अभी मेरा फेस कितना डल डल सा लग रहा है आपको, है ना। क्योंकि मैंने सिर्फ वो टोनर और मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई किया था अपने फेस पे, उसके बाद डायरेक्ट ही मैंने यहाँ पे लक्मी की क्रीम अप्लाई की है। अच्छा निकल के आया है। और हम अपने एयर भी नहीं भूलते हैं, एयर को भी लगाना चाहिए हमें। और देख लीजिए, बिल्कुल नेचुरल त्वचा लगती है हम जब ये लक्मी लगाते हैं ना। तो मैं मेरी अंडर आईज इस टाइम पे थोड़ा सा ब्लैक हैं क्योंकि मुझे नींद सही से नहीं आती है। तो मैं अंडर आईज और माउथ एरिया में मैं थोड़ा सा हल्का सा और डबल कोट दे दूँगी इसी क्रीम से। कोई फाउंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और ये अब बस मैं हाथों से ही ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। मैं ऐसा मेकअप मतलब कर रही हूँ कि आपके पास सब कुछ होगा और आप आसानी से कर सकते हो, है ना। मैंने सब कुछ मतलब लगा लिया, यानी कि क्रीम लगा लिया और ब्लेंड कर लिया अपने हाथों से। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उसे हल्का सा गीला करके पानी निचोड़ के आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं अपना मेकअप। तो मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल से और इसे फिल कर लिया आईब्रो को। ये 10 रुपीज़ की आईब्रो पेंसिल मिलती है लोकल मार्केट में। और ये मैंने फेस पाउडर ले लिया है और न्यू फेस पाउडर है, मैंने इससे पहले इसको यूज़ नहीं किया था, आज फर्स्ट बारी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 150 रुपये का ही मेरा ये फेस पाउडर है। और बस बहुत ही सस्ते में बजट में आपका मेकअप इतना अच्छा निकल के आएगा, आप खुद से खुद ही देख लेना, बट एंड तक रहना और लाइक ज़रूर करना गाइज, बहुत मेहनत लगती है। तो गाइज, अब हम करने जा रहे हैं आई मेकअप। और दो मेरे ये जो थे ना, पता नहीं कहाँ खो गए, काफ़ी टाइम से मैंने आई मेकअप नहीं किया है। तो मेरी ऑरेंज और हल्की रेड में साड़ी है, मैंने एक बार वेयर की है यहाँ पे और वही मैं करूँगी। और मेरे पास यहाँ पे गाइस ब्रश है नहीं, तो मैं फिंगर की ही हेल्प से कर सकती हूँ। तो मैं फिंगर की हेल्प से ही करूँगी। और पहले मैंने कुछ ऐसा सेट लिया है। तो यहाँ पे अपने क्रीज लाइन से हमें क्रीज बनाते हुए, आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ब्रश नहीं था, मैं ब्रश लेके नहीं आई थी, तो मैं फिंगर की ही हेल्प से और क्रीज लाइन बना के, और बहुत इजी है, आपको ब्रश से अच्छा आपके फिंगर से बन जाएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना नहीं किया है तो। बाकी मुझे मेकअप करना इतना अच्छे से नहीं आता है, पर जो भी आता है मैं आपको बेस्ट ही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और
तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को खुद से खुद अच्छा लगेगा। और बताना ज़रूर कमेंट में कि आपका मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोग एक बार प्लीज़ मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करना मेरे जैसा ही मेकअप करने की, और मुझसे अच्छा भी कर लेते होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा मेकअप कर लेते हैं, लेकिन जैसा भी मैं कर पाती हूँ वो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा रेड और गोल्डन से मैं करूँगी, और ज़्यादा मुझे हैवी मेकअप नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लाइट मेकअप रखूँगी और खूबसूरत भी लगेगा। और तो यहाँ पे मैं गोल्डन और रेड कलर से ही अपनी आईज़ को, एक साइड का मेरा हो गया, दूसरी साइड का भी मैं कर रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ गाइज, और मेरा पूरा ये वीडियो 30 मिनट का था। आई शैडो लगा लिया है और अब मैं इसी पे अप्लाई कर लूँगी ये मस्कारा और लाइनर, जो मेरा इस टाइम का फेवरेट है, काफ़ी टाइम से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इतना अच्छा वाटर प्रूफ है ना, जितना भी एक्स्ट्रा गिरा है मैं उसको झाड़ लेती हूँ। और ज़्यादा मुझे मतलब हाई आई मेकअप नहीं चाहिए था, मैंने लाइट ही किया है, ज़्यादा हाई नहीं है। तो काफ़ी दिन बाद मैं लाइनर अप्लाई कर रही थी तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सीसी की हेल्प ली और लाइनर लगाने के लिए, और लाइनर मुझे थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है मेरी आईज़ पे, और तो मैंने लगा लिया है यहाँ पे लाइनर। गाइस मैंने थोड़ा थोड़ा कट कर दिया क्योंकि बहुत फिर बड़ा हो जाता है ब्लॉक, है ना, 30 मिनट का ब्लॉक मैंने ये 14 मिनट का किया है, तो वो समझ सकते हो बहुत एडिट करना पड़ जाता है, तो एडिट कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं दूसरी आइस में भी अप्लाई कर लूँगी और दोनों आइस में मेरा लगे। मैं थोड़ा सा इसको अपनी थोड़ा सा बड़ी दिखाना चाह रही थी, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी आइस बड़ी दिखाना चाह रही थी। तो मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया है, मस्कारे के बाद हमारी काजल लगाऊंगी आई मेकअप कम्प्लीट। मेरा आई मेकअप हो गया कम्प्लीट, सॉरी अभी काजल बचा है, मैं बस काजल लगा लूँ, उसके बाद मेरा आई मेकअप एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बिना भी मेकअप अधूरा ही है, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं रेड बिंदी और फाइनली गाइस मेरा मेकअप कंप्लीट। मैं फटाफट साड़ी वेयर करके आती हूँ। गाइस क्या मैं हेयर ओपन रखूँ कि मैं चूड़ा बनाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे ओपन करके बस साड़ी वेयर कर लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस रूम में लग रही है ठंडी, मैं क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक बार हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो मैं फिर हेयर ओपन में ही आऊँगी। तो ये हेयर स्टाइल मुझे करने में मुझे अपनी शादी की याद आ गई थी, शादी के मैं दूसरे दिन से मैं ये हेयर स्टाइल बनाना मैंने स्टार्ट किया था, और ये मेरी शादी के बाद की हेयर स्टाइल है गाइस, मेरी फेवरेट हुआ करती थी। मैं शादी के दूसरे दिन से मैंने कम से कम एक साल तक यही हेयर स्टाइल बनाई, उसके बाद मैं पब बनाना मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए तो ये फेवरेट थी मेरी, और तो वही हेयर स्टाइल मुझे याद आ गई तो मैंने फटाफट बना लिया क्योंकि मैं पहले बनाती थी ना, तो मेरे लिए ये ईजी थी, और वैसे ये ईजी ही है, आप भी चाहो तो बना सकते हो और बहुत जल्दी बन भी जाती है, फेस पे थोड़ा अच्छी भी लगती है।
और मेरा फॉरहेड थोड़ा बड़ा है, तो मैंने आगे हल्के से हेयर निकाले हैं, क्योंकि जब फॉरहेड बड़ा होता है ना तो सामने हेयर नहीं होते हैं तो चेहरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़े से बाल निकाल लिए हैं। और पहन ली है अपनी चूड़ी जो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे, और ये मेरे रोज़ भी मेरे घर पे यहाँ पे रखे हुए थे, पहले का ही सारा सामान है, तो मैं निकाल के वही लगा रही हूँ। तो यही है हमारा फाइनल लुक, बस हमको कान में डालने हैं झुमके, बाकी फिर आपको हम दिखाते हैं कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस जो न्यू हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और तभी मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं तब जाके एक एक ब्लॉग बन पाता है। तो यहाँ पे मैं ये अपनी न्यू एयररिंग्स पहन रही हूँ, मैं हो गई हूँ रेडी। और आज मैंने बहुत दिनों बाद यहाँ पे फूल लगा रहने दो। तो गाइज ये रहा मेरा फाइनली लुक, और कुछ मैंने बहुत दिन बाद चोटी की है साड़ी पे, और मैंने साइड में ये लगाए हुए हैं 3 फूल और रेड रोज़ है, और ये कुछ एयररिंग्स। ये रहा मेरा मेकअप, मैं आपको पूजा से कह के फिर सूट करवाती हूँ, ठीक है? और बहुत सारी सोच रही हूँ रील बनाने को, देखो रात हो गई है। वो फाइनल कुछ आंखों का ऐसा दिख रहा है, और आंखें हाँ थोड़ा सा बड़ी लग रही हैं, और हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारी लग रही है मुझे। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरी हेयर स्टाइल अच्छी लगी कि नहीं। और फटाफट मैं रेडी हुई हूँ, ठंड मुझे बहुत ज़्यादा गाइस लग रही है, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी और कुछ स्वेटर वगैरह डाला नहीं है, शाम हो गई है, तो शाम को आप समझ सकते हो ठंडी बढ़ जाती है ना। और बैठी मैं टाइल्स पे नीचे फर्श पे बैठी, रेडी भी हो रही थी, तो और भी मुझे ठंड लग रहा था। सब कुछ आप लोगों के लिए मैं इतनी ठंड में कर रही हूँ, पर अच्छा लगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए फिर आप लोग इन्जॉय करिए आज का ब्लॉग, और कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और फुल वॉच करना गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना मेरे वीडियोज़ को। यहाँ पे हम छत पे आके और आपको दिखा रहे थे, और छत पे बिना पल्लू के रहना आसान नहीं है, जंग है मेरे लिए समझ लो, क्योंकि सभी आस पड़ोस के देखते हैं ना। लेकिन मैंने सेफ्टी पिन ऐसे लगाया था, तो मैं बार बार ट्राई कर रही थी सर पे पल्ला रखने की, लेकिन वो बन नहीं रहा था, भारी साड़ी है ना, पीछे वो लड़की मुझे देखे जा रही थी। और इसका भी नाम नेहा ही है, मेरा नाम है नेहा, इसका भी नाम नेहा है, क्योंकि इसकी मम्मा नेहा नाम लेके बुलाती है, तो मैंने भी सुना है। तो यहाँ पे कुछ मैं फ़ोटो शूट भी करवा रही थी पूजा से यहाँ पे बैठ के, और अभी ज़्यादा लोग छत पे थे नहीं, तब मैं फटाफट जल्दी जल्दी करवा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस मेरा फोटो वगैरह शूट मैंने करा लिया है, और अब हम चले नीचे। रानी राजकुमारी यानी काफ़ी मुझे देख के बिंदी लगा ली है। तो गाइस बताना ज़रूर मेरा आज का मेकअप लुक कैसा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं आप लोग, और आप लोग भी ऐसे मेकअप ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सा मेकअप है, आप शादी ब्याह कहीं भी जाके और जा सकते हैं ऐसा मेकअप करके। और मेरा ये साड़ी लुक कैसा लगा बताना ज़रूर। बस 20 मिनट में मैंने ये मेकअप लुक तैयार किया है, कम प्रोडक्ट में है, और आपका मतलब बिल्कुल भी फटा या कुछ भी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा मेरे फेस पे, बिल्कुल इक्वल सा है ना फेस मेरा, कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। आप लोग खुद ही देख के मुझे बताना कि मैंने कैसा मेकअप किया है, और ये मेरी चोटी कैसे लग रही है ये भी ज़रूर बताना, और मेरी एयररिंग्स कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताना। तो बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी गाइस, लव यू।